भी कोई लड़की वाली हरकतें भी कर लिया कर। बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड संगत का सा। अबे यार अब तो दिमाग मत खराब कर, एक तो पहले से ही बहुत टेंशन है। इधर ध्यान से क्या देख रहा है, बिल्डिंग खरीदने का इरादा है क्या? बिल्डिंग भी खरीद लेंगे, फिलहाल तो मम्मी के लिए बहू ढूंढनी है। तो समझ आई कोई लड़की? तलाश जारी है, शाम तक मम्मी को उनकी बहू का नाम बताना है। चल कोई लोड नहीं, मेरा नाम ले। अरे बावली वाली बातें मत कर यार, तुझे तो पता ना मम्मी को कैसी बहू चाहिए, जिसमें तू तो बिल्कुल फिट नहीं होने वाली। अब तो तेरी नौकरी भी लग गई, अब तो कर ले शादी बेटा। आखिर तू शादी कर लेगा तो मेरी भी जिम्मेदारी कुछ कम होगी ना, गिन्नी को भी संभालना है, तू समझता क्यों नहीं है? तुम दोनों को पालने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया, मैंने कितनी परेशानियां उठाई, अब इस उम्र में तुम लोग मुझे ऐसे परेशान करोगे? शादी कर लो, अपना घर बसा लो, मुझे भी कुछ आराम मिले। तुझे भी लड़की पसंद है तो बता दे, फिर ठीक है, फिर मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, फिर मत कुछ बोलियो। बेटा समझने की कोशिश कर, क्यों परेशान कर रहा अपनी माँ को? ठीक है जो तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे आज रात तक तुमने किसी लड़की के बारे में नहीं बताया तो मैं फिर खुद से अपनी बहू ढूंढना शुरू कर दूंगी। फिर मत बोलना कि मम्मी ऐसी है वैसी है, समझ रहे हो तुम? मुझे आज लड़की का नाम पता चल जाना चाहिए। देखो अपने आसपास देखो, बहुत सी लड़की है। तो मिली कोई सर्वगुण संपन्न बहू? मिली? तो 210 नंबर वाली पूजा कैसी रहेगी? ओ मेरे जाने जिगर, तुम क्या कर रहे हो ऊपर मेरे बगैर? अरे तू बाल्टी पकड़ाना। पहले तो ये बताओ इतनी देर से रिप्लाई क्यों आया? तुम छत पे खड़े हो के किसी और को ताड़ रहे हो ना? अरे मेरा बाबू तुम्हारे लिए चांद तारे भी तो तोड़ के लाने हैं। तुम अकेले अकेले जा रहे हो चांद तारे तोड़ने, वो भी मेरे बिना? तुम्हें सरप्राइज करना था। सुबह तुम्हें चांद तारे कहाँ मिलेंगे? आसमान में रात को जाना, अभी चुपचाप नीचे आओ। अरे मेरी जान ठीक है जैसा तुम बोलो, लो मैं गया। ठीक है ना, अच्छी है वो, पर तुझे पता है ना कि उसका बॉयफ्रेंड है। छोड़ यार, मैं समझा दूंगा मम्मी। भैया आ गए क्या? बेटा तू आ गया, इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ माँ तुम्हारा ही काम कर रहा था, बहू ढूंढ रहा था तुम्हारे लिए। सच्ची? कौन है वो? अरे नाम तो बता दे बेटा, बता ना बता बता। आए लाइक वंदना। तुझे वंदना पसंद है? बेटा कहाँ हो, जल्दी आओ, खाना तैयार है, खाना ठंडा हो रहा है। आती हूँ मम्मी, आप कितना काम करती हो, आज आप मुझे अपनी लव स्टोरी बताइए। नहीं आज नहीं, फिर कभी। मम्मी प्लीज प्लीज। ओके ओके सुनाती हूँ। 10 साल पहले की बात है, मैं एक स्ट्रगलर से बहुत प्यार करती थी, पर उसने हमारी दौलत से टकराने की हिम्मत नहीं, फिर वो चला गया। फिर मैंने भी अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया, फिर तुम मेरी लाइफ में आई, और जब तुम 6 साल की थी तो मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया, और अब देखो हमारी लाइफ कितनी वंडरफुल है। मम्मी आप दूसरों के लिए बहुत जी, अब आपको अपने लिए जीना होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, अब मैं आपके लिए लड़का ढूंढूंगी। चल अब तू मेरे लिए लड़का ढूंढेगी। चल अच्छा मुझे निकलना है, अब मैं निकलती हूँ, मेरे क्लाइंट मेरा वेट कर रहे हैं। ओके बाय बाय टाटा, लव यू, बाय बाय, टेक केयर बेटा। तू कब आए? अब तू 12 साल के बेटे की माँ से शादी करेगा? अरे बाबा मैं तो सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। अच्छा तुझे रमा कैसी लगती है? अब ये रमा कौन? अरे वही जो डांस टीचर है।
क्या गाती है, क्या नाचती है। सच में वो घर आ गई ना तो घर में रौनक लगी रहेगी। कायशा आयुषी, आपको स्टेप्स क्लियर हुए? हाँ जी मैम, ये स्टेप हमें समझ आ गया। रमा मैम, ये वाले स्टेप क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज? पहले राइट हैंड पहले यूज करना है, लेफ्ट हैंड? समझ नहीं आया इसमें। आयुषी हमें राइट हैंड पहले यूज करना है पर क्लॉक साइड घूमना है। ओके डन। आयुषी आयुषी आप दोनों ने परफेक्ट किया, वेरी गुड। और जूड़ा। ओके दोबारा बोल रही हूँ, फ्रॉक सूट, घुंघरू और जूड़ा और वाइट गजरा। आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर कोई कंफ्यूजन हो और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करें। ओके टेक केयर, बाय। श्योर रमा मैम, तो मैं भी जाती हूँ। थैंक यू मैम। ओके डन मैम, बाय। ओके डन मैम, बाय, थैंक यू। खाना तो बनाना आता है ना उसे? और हाँ, मेरे साथ खेलेगी तो सही ना? भैया बताओ ना भैया। अच्छा अच्छा, वो रमा क्यों नहीं खेलेगी हमारी छोटी के साथ? रमा मुझे पसंद है आंटी, पर मुझे नहीं लगता रमा इसको पसंद करेगी। हाँ तुम सही कह रही हो सौम्या, ठीक कह रही हो बिल्कुल। आई नो आंटी, आई नो एवरीथिंग। बाय द वे तुझे श्राव नहीं ऐसे लगता? हाय, पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं। एक बार मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं तो फिर बताऊंगी मैं कि मैं क्या चीज हूँ। इस देश को सुधारना है मैंने। कब आएगा वो दिन? चल ज्यादा सपने मत दे, मैं अपना काम करियो। ये वही है ना जो आईएएस की तैयारी कर रही है? सही है बेटा, हमारे घर में आईएएस बहू। क्या ठाट होंगे हमारे, क्या शान और शौकत होगी हमारी। रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला रे डोला रे डोला। गिन्नी, यहाँ हम तेरे भाई के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं और तुझे गाने की पड़ी है ढोला रे ढोला रे ढोला। और ये आईएएस वाईएएस बन ली ना तो पानी तक ना पूछने वाली हम लोगों को। ये भी सही बात है भाई, ये भी सही बात है। फिर तो प्रियंका ही ठीक रहेगी। अब ये प्रियंका कौन है यार? अरे वो लेखक की नर्स बेटी। पापा ये कोरोना कितना फैल रहा है और मेरा रोज रोज हॉस्पिटल से आना जाना, आज से मैं दूसरे रूम में ही रहूंगी। बेटे दूसरे रूम में क्या, अब दूसरे घर में रहना पड़ेगा। क्यों, मैं क्यों रहूंगी? क्योंकि मैंने एक लड़का देखा है। क्यों देखा है? देख बेटा, एक उम्र के बाद हर बेटी को अपने राजकुमार के साथ दूसरे घर में जाना होता है। पापा, ये सब किताबी बातें हैं और किताबों में ही अच्छी लगती है। आजकल के जमाने में सब कुछ भी नहीं होता। अच्छा सुन, तुझे वो लड़का पसंद है? कौन पापा? वही प्रिया जी का। पापा वो लंगूर जिसे मैं देखना पसंद नहीं करती, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। अब वो लंगूर ही तुझे अंगूर खिलाएगा। पापा, मेरा राजकुमार तो वो बनेगा जो रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, गुड लुकिंग हो और मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। और जो भी उसे देखे ना बस देखता ही रह जाए। अच्छा एक अपना फोन पकड़ा जरा। फोन? मैं भला आपको अपना फोन क्यों दूंगी? इसलिए कि मैं ऊपर भगवान को ऑर्डर प्लेस कर दूं कि एक ऐसा राजकुमार भेजना। ए बाबा,
तू ही हो।